गरीबों की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति। बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता। एक व्यभिचारी स्त्री। रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर। मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य। जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा देकर अनेकों को यीशु के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति। अपनी छोटी कमाई से भी सुसमाचार प्रचार के लिए सहायता देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री। जरूरतमंदों की सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य। परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराकर मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारने वाली एक स्त्री। परमेश्वर के वचन के निमित्त खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यक्ति। शरीर में रहते समय वचन का पालन करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को तेजस्वी स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित करके अनंत कालिक रहने के स्थान पर ले जाया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। पुरानी बातें बीत जाएंगी।
अब कोई भी दुख या वेदना या क्लेश या कुड़कुड़ाना नहीं होगा। वहां न शत्रुता होगी, ना झगड़े और ना ही द्वेष, बस शांति, समाधान और आनंद ही होगा। फिर स्वर्ग से परमेश्वर के पास से पवित्र नगर नया यरूशलेम उतर आएगी। उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की होगी और नगर ऐसे